एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश दसवां समुल्लास। कल जहां छोड़ा था उसके आगे पढ़ता हूं। एक साथ गुरोरुच्छिष्ट भोजनम, यहां से होगा ठीक है। प्रश्न है गुरोरुच्छिष्ट भोजनम, इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? कल का प्रसंग थोड़ा सा याद कर लें। कल का अंतिम प्रश्न था कि एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं, तो बताया था दोष है। एक साथ एक थाली में नहीं खाना चाहिए, एक दूसरे का झूठा भोजन खाने से एक दूसरे का रोग दूसरे को लग जाता है, इसलिए अपना शुद्ध अलग अलग थाली में रख कर खाना चाहिए, झूठा नहीं खाना चाहिए। तो आज प्रश्न पूछा है कि गुरोरुच्छिष्ट भोजनम, गुरु का उच्छिष्ट भोजन खाना चाहिए, तो इसका क्या अर्थ बनेगा? यहाँ तो कह रहे हैं उच्छिष्ट खाना चाहिए। उच्छिष्ट का वैसे सीधा सीधा शब्दार्थ है बचा हुआ भोजन, और लोग इसको टेढ़ा मेढ़ा करके उच्छिष्ट कार्य करते हैं झूठा। तो झूठा सीधा सीधा शब्दार्थ नहीं है, पर पूर्व पक्षी ऐसा ही मान रहा है कि गुरु का झूठा खाना चाहिए, यहाँ तो उच्छिष्ट लिखा है। अब इसका ठीक उत्तर देंगे। उत्तर इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किए पश्चात जो पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना, झूठा नहीं खाना। ब्रह्मचारी भिक्षा मांग कर लाते थे, पुराने समय की बात है, गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। अब जो भी भिक्षा लाए सारी गुरु जी के सामने रख दी, लो गुरु जी ये मिला भोजन भिक्षा में। तो नियम ये था पहले गुरु जी को खिलाओ फिर विद्यार्थी खाए। आज वैशेषिक में भी यही पढ़ा था, पहले बड़े को भोजन खिलाओ फिर छोटा खाए, जिसका मूल्य अधिक है पहले उसको खिलाओ। तो यहाँ पर ठीक अर्थ ये है कि गुरु जी के सामने जो भोजन ला के रखा भिक्षा का भोजन, गुरु जी ने अपने लिए अलग ले लिया थाली में, और जो बाकी शुद्ध रखा है बचा हुआ, पहले गुरु जी अपनी थाली का भोजन खा लेंगे, उनको जो भी कमी पेशी होगी वो खिला के पूरा निपटा दिया, गुरु जी का काम पूरा हो गया। अब जो अलग बचा हुआ भोजन है, बचा हुआ का मतलब अलग शुद्ध रखा हुआ, अब उसमें से ब्रह्मचारी लोग खाएंगे, विद्यार्थी लोग खाएंगे, तो उसका ये अर्थ है। अर्थात गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात शिष्य को भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट का मतलब ये पहले और पीछे, न कि झूठा, झूठा नहीं खाना, किसी का भी नहीं खाना।